हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको 8 राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों 22 मार्च से मंगल का मकर राशि में प्रवेश कैसा रहेगा 8 राशि वालों के लिए। 8 राशि वालों पर मकर की उच्च दृष्टि और मंगल शनि का अंगारक योग क्या कहेगा, कैसा रहेगा इन 8 राशियों का भाग्य और धन पुत्र मकान व्यापार आदि की प्राप्ति कैसी होगी, यह संपूर्ण जानकारी मैं भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को बता रहा हूं। आप संपूर्ण जानकारी को सुने और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इसमें मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, आप वह उपाय जरूर करें जिन जिन की भी राशि इसमें आएगी, और जो जो मैं उपाय बताऊंगा दोस्तों वो जरूर करें जिससे आपको गलत प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े और आपके सभी कार्य सिद्ध हों। दोस्तों मंगल उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शनि की राशि मकर राशि में जा चुके हैं। दोस्तों शनि अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो मकर राशि पर शनि 7.5 ही चल रही है। दोस्तों इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी और कुछ अच्छे योग भी प्राप्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां। दोस्तों सबसे पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और मंगल की दृष्टि रहने वाली है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, जिस समय कर्क राशि पर मंगल की दृष्टि चल रही है उस समय नीच दृष्टि जो है मंगल की कर्क राशि पर चलेगी, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि चल रही है इसलिए ये भाग्यशाली राशि बन रही है और गुरु की वजह से पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के ऊपर बहुत ही अच्छा योग शुरू हो चुका है। मंगल राशि का अशुभ प्रभाव कम करने के लिए जो कर्क राशि वाले हैं हनुमान जी की पूजा जरूर करें और वृषभ राशि वालों को माता दुर्गा की पूजा जरूर करनी है। दोस्तों तीसरी जो राशि है वह है मीन राशि, और मीन राशि पर गुरु शनि मंगल तीनों का प्रभाव है। दोस्तों ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, विस्तार में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मीन राशि वालों को बृहस्पति देव की और शनि देव की पूजा जरूर करनी है। दोस्तों मीन राशि का बहुत अच्छा भाग्योदय होगा गुरु की कृपा से और मंगल की कृपा से। मंगल की कृपा से मीन राशि वालों को पुत्र की धन की और मकान की प्राप्ति होगी, लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूं दोस्तों बार बार यही कहूंगा आप उसे जरूर करें। अगली राशि है दोस्तों कुंभ राशि, और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 ही चल रही है, सभी जानते हैं कुंभ राशि पर शनि की 7.5 ही चल रही है और यह कुंभ की अपनी राशि है, इसलिए कुंभ राशि वालों को शनि देव की पूजा विशेष करनी है। भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य बदलेगा, शनि की मंगल की दृष्टि आ रही है, जो अंगारक योग भी है यानी ये योग सही नहीं होता है लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है तो दोस्तों बहुत अच्छा भाग्य रहेगा। लेकिन ये राशि शनि की है और मंगल शनि में शत्रुता है, इसलिए आपसे कहूंगा कि शनि देव की पूजा जरूर करें और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को प्रसाद आदि चढ़ाएं, चोले आदि चढ़ाएं। दोस्तों अगली राशि है तुला राशि, और तुला राशि के ऊपर शनि और मंगल दोनों की शुभ दृष्टि है। तुला राशि के बहुत ही अच्छा भाग्य है। तुला राशि पर 22 मार्च से लेकर के 4 मई तक बहुत ही अच्छा योग चल रहा है, यानी मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने तुला राशि के बहुत ही अच्छे हैं। तुला राशि वाले गणेश जी की पूजा करें, तुला राशि वाले शुक्रदेव की पूजा यानी शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान जरूर करें, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अगली जो राशि है वह है मकर राशि, जिसमें शनि चल रहे हैं और मंगल का प्रवेश हो चुका है, तो दोस्तों इस राशि का तो उद्धार होना ही होना है। इस राशि वालों के तो बहुत ही अच्छे योग हैं, यानी मंगल उच्च राशि के और शनि अपनी राशि के, तो भाग्य तो इनके उदय होने ही होने, लेकिन मकर राशि को केतु से सावधानी बरतनी है। और दोस्तों मंगल राशि के लिए और शनि के लिए मकर राशि वालों को एक नारियल लेकर के अपने शरीर से उसार कर बहते हुए जमुना जी में डालना है या किसी भी नदी में डाल सकते हैं, और शनि देव की पूजा आप करते ही रहें।
अगली राशि है वृश्चिक राशि। शनि की दृष्टि जा चुकी है, सभी जानते हैं शनि की दृष्टि इससे जा चुकी है और मंगल की उच्च दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। तो दोस्तों धन पुत्र सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ, लेकिन शिव जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है वृश्चिक राशि वालों को, ये ध्यान रखना है। ये यार दो जो उपाय बता रहा हूं ये कोई ज्यादा कठिन उपाय नहीं है, आप इनको करोगे तो आपको ही फायदा होगा। दोस्तों अगली जो राशि है बहुत ही शुभ राशि है सिंह राशि। सिंह राशि बहुत ही शुभ है, मैंने हर वीडियो में बताया है कर्क राशि के लिए, तुला राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, यानी हर प्रकार से शुभ योग बन रहे इन राशियों के। सूर्य की पूजा जरूर करें, ओम राम ह्रीम रोम सा सूर्य नमः। सिंह राशि वाले सूर्य देव की पूजा करें, सुबह सूर्य को अर्घ दें सूर्य मंत्र से या गायत्री मंत्र से, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, क्रोध पे काबू रखें और लव मैरिज होशियारी से करें, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे। अगली राशि है मेष राशि, ये समझ लो इसके तो चांदी चांदी है, मेष राशि की चांदी चांदी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा भाग्य है मेष राशि के ऊपर। तो दोस्तों मेष राशि की किस्मत बहुत अच्छी है और मेष राशि मंगल की अपनी राशि है और मंगल की शुभ दृष्टि मेष राशि के ऊपर शुरू हो चुकी है, शनि की दृष्टि शुरू हो, गुरु की अच्छी दृष्टि शुरू हो चुकी है दोस्तों। मंगल मेष राशि का बहुत ही अच्छा भाग्य है मेष राशि वाले, हनुमान जी की शनिदेव की पूजा जरूर करें। दोस्तों मंगल और शनि का जो योग होता है ये एक तरह से विस्फोटक योग होता है, यानी मंगल अच्छे योग बनाएंगे लेकिन शनि कर्मों का फल देंगे, बहुत संभल के रहना है। और मंगल का प्लस मकर में उच्च राशि में प्रवेश है, साथ में गुरुवार हैं तो बहुत ही अच्छे योग हैं। जय माता दी।